ये कोई मैदा नहीं है जो कि आपको इतना लचीला लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आटा है, प्योर आटा। ये अलग तरीके का गेहूँ है, ये है ना, ये नॉर्मल गेहूँ तो नहीं है। मसाला रोटी, सॉरी मटका रोटी के साथ ये मसालेदार मटन खाने के, भाई कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जिसका काम उसी को साझे। ये सारे वेजिटेरियन लोग हैं एवरीबॉडी, कि मैं ये छोड़ के जा सकता हूँ 15 मिनट के लिए बाहर, कोई टच नहीं करेगा, कोई नहीं खाएगा। सारा हमारा है। ये देखिए, ये मनमीत का फेवरेट है क्योंकि मनमीत नहीं खाता मटन, ये देख रहे हो। हाँ, इतना लचीलापन आता जो कि वो आप देख सकते हो, ये चीज़ है इसके अंदर भाई। सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए। सेंट्रल बाजार रोड, बजाज नगर, कहाँ पर आए हैं हम? ताज मटका रोटी, जो कि काफ़ी फेमस है नागपुर में। और एक्चुअली मैं ये एक रीज़न था जिसके लिए मैंने ये ट्रिप प्लान किया। आप देख सकते हो भाई, मज़ेदार बढ़िया बना रहे भैया मटका रोटी, कैसे बनता है वो दिखाएंगे। पर पहले, उससे पहले आटा देखो पीछे कैसे कि क्या कर रहे हैं भैया। तो ये पास से दिखाते हैं, वो जल्द पास से दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है आटे का डो, ये कोई मैदा नहीं है जो कि आपको इतना लचीला लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आटा है, प्योर आटा। ये अलग तरीके का गेहूँ है, ये है ना, ये नॉर्मल गेहूँ तो नहीं है, लोकवन गेहूँ। अच्छा, तो ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से बना रहे हैं ये। और ये भैया चलता रहेगा ऐसे, कंटिन्यू करते रहोगे आप? तो आप ये दोबारा कब बनाते हो? दोबारा कैसे पता चलता है ये धीरे धीरे कम होने लगेगा? नहीं, ये तो फिनिश होने का, उधर बनते रहता है। अच्छा, बनता रहेगा, आधा घंटा लगता है खत्म होने को, तो वहाँ से बनने को। क्या बात है, अब ये दिखाते हैं आपको कि ये देखो कैसे निकाला। और ये निकालने के बाद सीधा ये उसके ऊपर मटके के ऊपर बिछा देंगे। अभी आपको मैं फ्रंट साइड से भी दिखाऊंगा, आप पहले यहाँ से देखो। वाह भाई वाह, आप चलते हैं आगे। तो आप ये देख सकते हो, ये प्रोसेस है एक्चुअली जो कि और मटेरियल बल्कि बना रहे हैं। ये देखो, ये स्टार्टिंग हुई है, तो आप स्टार्टिंग में देखते हो कि कितना स्टिकी है, हाथों में चिपक रहा है। और उसको बार बार पीटा जाता है अच्छे से, ताकि इसके अंदर हवा भरी जाए। जी हाँ, इसको ऐसे जैसे उछाल के मार रहे हैं ना, गिरा रहे हैं ये। ये एक चीज़ होती है जिससे, जिसकी वजह से ना इसके अंदर हवा पैदा होती है, और हवा पैदा होने के बाद ये ऐसे आएगा जब पानी मिक्स करोगे। ये देख रहे हैं कितना गुब्बारा बन चुका है, ये रेडी हो चुका है उस चीज़ के लिए। अब आपको चल के दिखाता हूँ फ्रंट साइड से कि वो कैसे लगाते हैं इस रोटी को। देखो भाई, ये कैसे लगा रहे हैं, आराम से देखो। ये देखो भाई साहब, भाई कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जिसका काम उसी को साझे, कोई दूसरा करे तो पता है ना। ये देख भाई, वाह भाई वाह, एकदम करारी पतली। ये आपको देखने में रुमाली रोटी लगेगी, पर ये वो है नहीं, क्योंकि रुमाली रोटी सॉफ्ट होती है, ये एकदम करारी निकलेगी। और ये कंटिन्यूसली बनती रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी रोटी है जिसकी डिमांड है ना। इसके अलावा और तो कोई रोटी नहीं है हमारे पास, है तवा रोटी। अच्छा, तवा रोटी है, पर ज़्यादातर यही यूज़ करते लोग, वो तो ऑप्शनल रखे हैं। अब आप खुद देख लो ना कि ताज मटका रोटी, नाम ही दुकान का मटका रोटी से है, तो ऑब्वियसली लोग यहाँ पे आके यही खाएंगे ना। अब ये देखो कितने बढ़िया तरीके से साइड से कट करेंगे, ताकि जो चिपका हुआ है वो निकल जाए। और अब ये इसको नहीं निकालेंगे परफेक्टली। ये देखो भाई, ये रहा, ये है वो रोटी। ये जितना इसको हवा लगेगा ये उतना और करारा होता रहेगा, जितना हवा लगेगा उतना करारा होगा। अब ये पता क्या लग रहा है, इट लुक्स लाइक अ डोसा, डोसा वाला टाइप ऐसा ना, वैसा लग रहा है, देखने में डोसा टाइप लग रहा है। क्या बात है, अब एक बार और दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं हम चिकन बनवाते हैं, मटन बनवाते हैं और करते हैं टेस्टिंग, और साथ में दिखाएंगे आपको कि टेस्ट कैसा है। और इतने सारे सब्सक्राइबर आए हैं, सब टेस्ट करेंगे, बताएंगे टेस्ट कैसा है। ये देखो भाई, दोबारा से लग चुकी है। अब इसके ऊपर जो रिपेयर करते हैं इसके ऊपर, वो देख देख नया आटा आ गया, क्योंकि ये कम होने वाला ना। तो क्योंकि इसको पीटने में, इसको तैयार करने में कम से कम आधा घंटा लगता है, भैया कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही ये इतना लचीलापन आता है जो कि वो आप देख सकते हो। ये चीज़ है इसके अंदर भाई, बहुत बढ़िया। कितना कितना चाहिए आपको? 20 रोटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया स्विगी जोमेटो भी हो या फिर लोग यहीं पर आते हैं? जोमेटो में हो, तो आप जोमेटो से भी घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप नागपुर में रहते हो तो अच्छे से इंजॉय करो, ताज मटका रोटी के नाम से है, कभी भी मंगाओ, खाओ यहाँ पे आके। तो हमें, हमारे को जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। हम चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो भैया खा तो हम लेंगे, पर पहले पाजी से रिव्यू तो ले लें। अब आप बताओ, सच सच बताना, वैसे आप कभी दिल्ली गए हो? नहीं, दिल्ली में नहीं गया हूँ। नहीं गया? एक ही बार गया हूँ, पर दिल्ली में आपकी वीडियो देखी। खाना खाया दिल्ली में? मैंने तो खाया, खाना खाया तो कभी कुछ ऐसा देखने को मिला है?
जैसे ये मटका रोटी टाइप, ये अलग सा तो नहीं मिला बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मटका रोटी। अच्छा, समवट फील्स लाइक डोसा एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। अच्छा है, ठीक है, गुड है, मतलब दोबारा आना चाहोगे? बिल्कुल। साथ साथ में एक चीज ये है कि ये जो रोटी है वो प्योर आटे की है, प्योर आटे की है, प्योर आटे की है। हाँ, अदरवाइज नहीं तो यूजुअली आपको मैदा मिलेगा, चावल के आटे का, चावल के आटे का। इतना फ्लेक्सिबिलिटी देख के लगता है शायद मैदा मिक्स किया हो। हाँ, मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कर दिया एक्चुअली, डो को ना बार बार पीट रहे आधा घंटा, उसी वजह से ये इतना लचीलापन आया। तो चलते हैं, जरा हम अपनी प्लेट भी लगवाते हैं और करते हैं टेस्ट, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो ये ग्रेवी टेस्ट हो रही है पहले, ये चिकन की ग्रेवी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ना ना एकदम परफेक्ट परफेक्ट। तो चिकन और ड्राई में बनवाएंगे मटन और टेस्ट करेंगे मटका रोटी के साथ। तो ये देख रहे हैं पूरा का पूरा चिकन पड़ा नीचे, तो चार पीस आते हैं एक प्लेट में। दिखाना भैया थोड़ा, ये देख भाई, ओए होए, मतलब ऑलरेडी बना के रखा है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, तो इसीलिए कस्टमर रुकता नहीं है। सही कह रहे, वो तो दिल्ली में भी नहीं रुकता। तो ये ग्रेवी डल गई, हाँ हाँ हाँ, साथ में गर्मा गर्म करारी मटका रोटी, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। मटन बनवाते हैं और करते हैं टेस्टिंग। ये देखो भाई, ये है मटन, मटन करी वाला, मटन करी एक बार दिखाना। ये देख, ये मनमीत का फेवरेट है क्योंकि मनमीत नहीं खाता मटन। ये देख रहे हो, हाँ, इसमें बटर नहीं डलता। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको हम ड्राई में लेंगे भैया। आप मटन ड्राई बनाओ, ये देखो मटन ड्राई बन रहा है। अच्छा, ये पेस्ट है, ये किस चीज़ का? प्याज वाला है, ग्रेवी है मटन का, मसाला है। अच्छा, तो क्या प्लेट आता है, कितने रुपये प्लेट आता है ये ड्राई वाला? 180 का चार पीस, पाँच पीस। और मट, और जो हमने वो लिया चिकन, चिकन 150 एक। अच्छा, 150 रुपये का चार पीस, क्या बात है गाइस। ये खाएंगे हम मटका रोटी के साथ गर्मा गर्म और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। अभी आप देखो ये बनता कैसे है, वही वही वाला मटन है, उसको निकाल के इस पर डालेंगे। तो इसमें बोनलेस पीस आता है क्या या कोई भी आ जाता है? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी आ जाता है भाई साहब। मटन देखो भाई, ये है असली माल। तो मैं खाएगा मटन, खा लेगा ना? ये लो भाई, अब बनेगा मटन ड्राई। तो ज़्यादातर लोग चिकन ग्रेवी के खाते हैं या फिर मटन सूखे के खाते हैं? सूखा ज़्यादा पसंद करते हैं, सूखा ज़्यादा पसंद करते हैं। बाजू में वाइन शॉप है। ओहो, क्या बात है, चखने में जा। ये कह रहा है साथ में वाइन शॉप है ना, खुशबू आ जाती है लोगों को। लो जी, मनमीत नहीं, अभी नहीं बलवीर गलती बात। ये देखो भाई, ये बन गया है ड्राई मटन ड्राई। स्टीम करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो भी कसर है वो भी पूरी हो जाए। मटका रोटी के साथ ये मसालेदार मटन खाने के, मम्मी देख रहा है? ओए, चलो टेस्ट करते हैं। तो लीजिए जनाब, देखो सारा फूड आ चुका है हमारा। ये चिकन करी के साथ लिया हमने मटका रोटी, और ये मटन ड्राई के साथ लिया है मटका रोटी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये सर खाने वाली एक ही लड़की है मेरे साथ, बाकी ये सारे वेजिटेरियन लोग हैं एवरीबॉडी। ये सुख होता है, पता क्या सुख है ये, कि मैं ये छोड़ के जा सकता हूँ 15 मिनट के लिए बाहर, कोई टच नहीं करेगा, कोई नहीं खाएगा, ये सारा हमारा है। तो लेट्स ट्राई, आप मटन टेस्ट करो, मैं चिकन टेस्ट करता हूँ। ये हाँ, रोटी क्रिस्पी है, इट लुक्स लाइक अ डोसा, ये डोसा लग रहा है। मटन बहुत टेंडर है, बहुत लाइट है, मटन सुपर टेस्ट है। ओहो भाई, एकदम गला हुआ मटन, क्या बात है। सो मटन मेरा फेवरेट है, एंड मटन आई थिंक चिकन से ज्यादा फ्लेवरफुल होता है भाई। बहुत बढ़िया टेस्ट है,
थोड़ा नींबू डालो। ये लीजिए आप करते हैं मटन टेस्ट नींबू के साथ। रोटी बहुत बढ़िया है, मतलब लाइक तुम दो तो खा जाओगे रोटी, है ना? दो से ज़्यादा मैं आ चुकी हूँ, मैं यहाँ पर चार या पांच खा सकती हूँ। अब आप खुद सोचो, बहुत पतली और फ्लेकी रोटी है जैसे आप देख सकते हैं। हाँ। इसमें कुछ हैवीनेस नहीं है। सीरियसली बिल्कुल हैवी नहीं है, जैसे पापड़ को फोल्ड करके खा रहा हूँ। एकदम पतली है। ताज मटका रोटी यहाँ पर आके ज़रूर ये ट्राई करना और हमें बताना कि कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी बोल दिया, समझ गए ना? बाकी इन सब लोगों को देख लो, सब नागपुर के ब्लॉगर हैं और ये भी नागपुर की ब्लॉगर है। और पार्थ अभी चला गया, गायब हो गया क्योंकि गाड़ी लेने गया वो, हम कहीं और, हमने कहीं और भी जाना है। हाँ। तो चले नेक्स्ट स्टॉप पे, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप पे चले। मिलता हूँ आपको जल्दी से नए एपिसोड में।